हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आज का दिन चाय पीने से शुरू करते हैं। और आज कुछ प्लानिंग कर रहे हैं क्या? खाना में क्या बनाओ और लंच बॉक्स में क्या बनाओ? तो मेरे अभी से चाय चढ़ रही है और साथ साथ में दूध भी गर्म हो रहे हैं। मेरे बच्चे को दूध दे लूँगी और चाय भी उससे पी लूँगी और फिर सोचती हूँ क्या बनाओ आज लंच बॉक्स में। आज तो मैं सोच रही हूँ भरवा के बैंगन बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। चलो, भरवा के बैंगन के लिए पहले वो बैंगन को गैस में चढ़ा देंगे और उसको उलट पुलट करके पका देंगे। पहले चाय चढ़ा दिया था और अभी छान के हस्बैंड और मेरे लिए लेकर आ रही हूँ और वो बेटे को दूध और हॉर्लिक्स मिक्स करके उसको दे दूँगी। वो अपने अपने रेडी हो जाएंगे और मैं उसी में बीच में खाना में मेरा टिफिन के लिए भी बन जाएगा। आप लोगों ने क्या टिफिन में दिया और क्या क्या सुबह सुबह मुझे कमेंट करके बताना। अभी बैंगन के भरते के लिए बैंगन को उलट पलट करके बैंगन चढ़ा दीजिए, उसको अच्छे से पकाएगा। और उसको मैं हाई फ्लेम में ही वो सेक रही हूँ और वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैं प्याज पे उसके साइड साइड में मैं प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची भी काट लूँगी। बीच में मेरे बेटे को बिस्किट भी चाहिए था, बिस्किट भी थोड़ा उसको ले दे दिया, वो अपने आप खा लेगा। और बैंगन मेरे अच्छे से पक गई है, मैं भी गैस को बंद कर दूँगी और मिर्ची फिर्ची को सब कुछ काट लूँ। मिर्ची, अदरक और करी पत्ता और लहसुन ये सब को छील के अच्छे से काट के रख दूँगी। और साइड बाय साइड अभी मैं सब कुछ काट लिया चॉपर से और पैन चढ़ा के सरसों का तेल डाल दिया। उसमें वो जराई और जीरा, करी पत्ता, प्याज, अदरक, लहसुन डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अच्छे से भूनने तक, प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक तो अच्छे से भून लीजिए। उसमें डालिए इलायची पाउडर, अदरक सॉरी वो टर्मेरिक पाउडर, सॉल्ट, हल्दी और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अभी मैस किया हुआ बैंगन को उसके साथ मिला दीजिए और अच्छे से मैसर से मैस कर दीजिए। उसको उलट पुलट करके ही बना दीजिए बैंगन का भरता। बैंगन के भरते को और लास्ट में इस धनिया पत्ता डाल दीजिए और अच्छे से गार्निश कर लीजिए। चलो, अब मेरा बैंगन का भरता रेडी हो गया। अब मैं रोटी बनाने जाऊँगी। पहले से मैंने आटा लगा के रख दिया था, अभी रोटी बना लूँगी। रोटी बना देंगे, उसी बीच में सारी रोटी बन गया मेरा बन जाएगा। धीरे धीरे करके सारी रोटी बन जाएगी और लंच बॉक्स मैंने पैक कर दूँगी। आपको मेरे वीडियो अच्छे लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और अच्छे से कमेंट दीजिए। और आपने क्या करते हो सुबह सुबह मुझे ज़रूर बताना। और अच्छी लगी मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ करना। थैंक यू।